हेलो दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में बच्चे क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो चार कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में परेशान करने का काम करती है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसको देख के नहीं बल्कि लिख के सॉल्व करना है, देखना नहीं लिखना है, याद रखिएगा। कई सारे बच्चे प्रिपरेशन करते वक्त मैंने ये देखा है कि वो क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद उसका सोल्यूशन रीड करेंगे, हाँ ये सोल्यूशन ऐसा है ऐसा बस समझ के लेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये तरीका बहुत ही गलत तरीका है। जब भी आप क्वेश्चन रीड करोगे तो उसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपने उसको एक्चुअल आंसर के साथ चेक करना है और देखना है कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। सो जहाँ जहाँ मिस्टेक हुई है वो एक बार आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं ये स्टेप में मिस्टेक कर रहा हूँ, तो अगली बार से आप वो स्टेप इम्प्रोवाइज करोगे और वहाँ पर आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। दूसरी मिस्टेक जो होती है लेट गो एटीट्यूड, मतलब अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर हमें आता नहीं है तो हम वो क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस गए हो तो कोशिश कीजिएगा आपने किसी रेफरेंस बुक से, किसी नोटबुक से ये क्वेश्चन का आंसर समझने की। अगर उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके दोस्त से पूछिएगा, उससे भी समझ में नहीं आता तो वी टीचर्स आर देयर फॉर यू, हमसे पूछिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। तीसरी जो मिस्टेक होती है प्रिपरेशन करते वक्त, सिलेक्टिव प्रिपरेशन की गलती की मिस्टेक होती है। सिलेक्टिव प्रिपरेशन में मतलब बच्चे जो हैं कुछ चुनिंदा टॉपिक जो हैं वो प्रिपेयर करेंगे और बाकी टॉपिक जो है छोड़ देंगे, ठीक है। मतलब स्कैनर लेंगे या किसी के यूट्यूब वीडियो से देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और बस उन्हीं चैप्टर्स का प्रिपरेशन करेंगे। जैसे अकाउंट्स की बात करें तो कंसोलिडेशन जैसा टॉपिक ऑप्शन में रखा जाता है, या शेयर कैपिटल जैसा टॉपिक ऑप्शन में रखा जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कुछ टॉपिक्स कैपिटल बजटिंग हो, वर्किंग कैपिटल हो, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इसमें फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इसलिए ऑप्शन में रखे जाते हैं। सो ऐसी जो गलतियां होती है जिसके कारण आपका स्कोर बहुत ही कम आता है, तो सिलेक्टिव प्रिपरेशन के ऊपर भरोसा ना करें। इंस्टीट्यूट की एक बहुत बड़ी खासियत है जो टॉपिक्स आप ऑप्शन में छोड़ेंगे यू विल फाइंड दैट उसी टॉपिक के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो सिलेक्टिव प्रिपरेशन से दूर रहिएगा। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो बच्चों से होती है कि वो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं जाते। अब पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी है, ताकि इंस्टीट्यूट जो है क्वेश्चन किस प्रकार से पूछती है और किस सेक्शन के ऊपर, मतलब किस पार्ट पे ऊपर, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है, इसका आपको एक अनुमान आ जाता है। मतलब ये जो है ना सिलेक्टिव प्रिपरेशन, ये आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन में हम सभी लोग जानते हैं कि एक एक मार्क बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एक मार्क हमें एग्रीगेट करने के लिए, हर एक मार्क हमें एग्जामिनेशन पाने के लिए, हर एक मार्क हमें पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आप पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कौन सी चीज़ें हैं जो हम मिस कर चुके हैं और वो चीज़ें हमने करनी ज़रूरी है। सो आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका ढेर सारा प्यार हम पे बरसाते रहिएगा। ये बिल्कुल नया चैनल है और हम चाहते हैं कि आपका प्यार, आपका साथ अगर हमें रहेगा तो हम इसी प्रकार से इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।